मेरे नए व्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। और ये कपड़े देख के तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं, ठंडियों की शुरुआत हो चुकी है। ये ठंडे के कपड़े ये सारे निकल चुके हैं और धूप में मैंने डाल दिए हैं पानी से निकाल के। ये मैंने गैस ऑन कर दी है और कढ़ाई में तेल डाल दिया है गरम करने के लिए। और आज हम बना रहे हैं भटकी चुड़कानी, तो उसके लिए मैंने देखो सारी तैयारी कर चुकी हूँ मैं। ये भट और ये प्याज कट करके रख दिया है और थोड़ा लहसुन और आटा और ये थोड़ा सा जीरा भी डालने के लिए रखा है। तो तेल गरम होते ही हम करेंगे बनाना शुरू। छोले भी यहाँ पे बन रहे हैं क्योंकि मेरे पति देव को ये दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलते हैं कि ये दाल होनी ही नहीं चाहिए, दाल होती ही नहीं है। खैर, मुझे तो पसंद है इसलिए मैं बना रही हूँ। यहाँ पे व्योम के लिए भी मैं खाना बना रही हूँ, बेचारा बीमार हो गया है। तो फिर अभी मैं देख रही हूँ व्योम क्या कर रहा है अभी अंदर जाके। ये देखो व्योम को ऐसे ही सुकून मिल रहा है अपने डैडू के साथ। व्योमो बाबू बोल बोल। नहीं, वो नहीं बोलना चाह रहा है, उसको ऐसे आराम मिल रहा है। वो ऐसे ही बहुत देर से लेटा है। देखो चल, मैं तेरे लिए खाना बना रही हूँ। हाँ जल्दी से। तो व्योम का दलिया भी मैंने बनाने रख दिया है, बनने ही वाला है, बस उसका पहले निपटा दूंगी, बाकी अपना बना रही हूँ। तो आप देखना वीडियो में आगे। ये छोले मसाला लिख ले क्योंकि अभी छोले भी बनाने हैं मुझे और ये तेल गरम हो चुका है। तो अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे भट्ट। ये साफ करी थी भट्ट, पता नहीं अब मेरे को कैसे बनानी आएगी या नहीं, काफ़ी टाइम बाद ही मैं बना रही हूँ इसे। तो अगर मैंने कुछ गलत बनाया हो या कुछ भी तो मुझे आप कमेंट करिएगा। बाकी तो मुझे ठीक लगती है, अच्छी लगती है, मतलब ठंडियों में गर्म भी होती है काफ़ी, और मुझे जुकाम भी हो रहा है तो फिर मुझे सही है ये दाल। नॉर्मल दाल तो मैं खाना भी नहीं चाहती हूँ, बोर हो गई हूँ। तो थोड़ा अलग करने के लिए मैंने ये बनाया है। देखो ये ऐसी आवाज़ आने लग गई है, तो फिर अब ना इसे निकाल देंगे, साइड कर देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर ये जल जाएगा। मैंने इसे निकाल दिया, देखो कुछ ज़्यादा ही ना जल जाए, फिर और चीज़ आगे करूँगी इस पर ही। अच्छी खुशबू भी आ रही है, तो पता चल रहा है ना, इससे पता चल जाएगा कि ये बन चुका है ऐसे। साइड कर लिया देखो। बाकी इसमें मैं डालूंगी जीरा, मैंने गैस कम कर दी थी। मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, देखो अब उसे साइड करके भट्ट को निकाल दिया है। जीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने प्याज काट के रखा था, ये डालूंगी इसे। मैं तो ऐसे ही बनाती थी अपने हस्बैंड में, और यहाँ पे बहुत दिनों बाद बना रही, तो क्या पता मैं गलत भी बना रही हूँ, पर मुझे तो ऐसे ही याद है तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ इसे। और एक हाथ से मैंने फ़ोन भी पकड़ रखा है, तो फिर वीडियो पता नहीं कैसे बन पाएगी। वो तो थोड़ा इतना होने तक, इतना हल्का ब्राउन होने तक इसमें उसके बाद डालूंगी सब। तो मिनट ऐसा होने के बाद हम इसमें डाल देंगे आटा। कोई लोग आटा वैसे डाल देते हैं, मैं तो थोड़ा इसमें भून लूँगी इसको। आटा गर्म होता ना तो मेरे जुकाम में काफ़ी ठीक रहेगा ये। इसको मैं ऐसे कर लूँगी थोड़ा। तो ऐसा होने के बाद हम इसमें देखो भून चुका है ना अच्छे से आटा,
इसमें मसाला भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची, नमक, भुने हुए भट भी मैंने इसमें डाल दिए हैं मसाले के बाद में। और इसमें ना हम पानी ऐड करेंगे, इसमें ये इसमें घोलना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आटा ना गोल गोल हो जाएगा। वैसे तो भुना हुआ आटा फिर गोल गोल नहीं होता है इस पर। देखो इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी देखते हैं लास्ट में बनने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखो व्योम अपने कारोबार में आ चुका है दोबारा से, उसे यही पसंद है। वेरी गुड, ये नो नो। दे रही हूँ, दे रही हूँ, ले। ये मैंने छोले भी बना दिए हैं, पहले ही उबाल दिए थे, बाकी सारा मसाला वगैरह सब कुछ डाल के बना दिए हैं। ये हमको खाना भी खिला चुकी हूँ मैं, और ये भी बन गई है, उसे ही बंद कर देती हूँ। ये देखो पेड़ की मिर्च भी अब हम ले जाएंगे तोड़ के खाने के लिए। ये देखो छोले बन चुके हैं, ये हमारी वो पहाड़ी दाल भटकी, ये चावल भी बन चुका है तो अब हम खाएंगे। ये देखो मेरी भटकी चुड़कानी और चावल और प्याज और हरी मिर्ची, और ये छोले चावल। वो अब हम खाना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग भी खाइए। ये देखो दोनों चीज़ बन चुकी है, अब हम खाते हैं। और ये है पहाड़ी नमक जो मैं पीस के रखती हूँ अक्सर, तो अब हम खा रहे हैं। हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग। बाय, बाय कर दे।